अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमें उम्मीद है आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर वाफियत से होंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है आप सबको जहाँ कहीं भी रखे शाद व आबाद रखे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मुजर्रब अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप इस अमल को कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम माली मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, और आपके रिस्क में बरकत होगी, कारोबार में बरकतें होंगी। तो आइए जानते हैं अमल के बारे में। किसी भी किस्म की हाजत के लिए, बिलखुसूस माली मसाइल से मुतालिक हाजत के लिए, इशा के बाद एक नशिस्त में सूरह वाकिया का 41 बार पढ़ना नहायत मुजर्रब अमल है। अगर आप इस अमल को कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। दूसरा तरीका ये है, माली मुआमलात में किसी भी किस्म की हाजत के लिए सूरह वाकिया का असर की नमाज के बाद 14 बार पढ़ना भी मुजर्रब और मशहूर है। आप चाहें तो दोनों में से कोई भी वजीफ़ा कर लें और इस वजीफ़े को लगातार करते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम माली मुश्किलात दूर हो जाएंगी और आपके कारोबार में बरकत होगी। आप भी इस अमल को करें और इसको सदक़े जारिया की नीयत से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और दीन की बात को आगे फैलाना सदक़े जारिया है और सदक़ा बलाओं को टाल देता है।